अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। आज हमने करना है जी पेज नंबर 93, इक्वल पार्ट्स हैविंग कलेक्शन। वी कैन डिवाइडेड ग्रुप्स ऑफ थिंग कलेक्शन इन हाफ टू। आदिल हैज़ अ डिवाइडेड इज मार्बल कलेक्शन हाफ। ठीक है, उसने हाफ करके रखी हुई है। हाउ मैनी मार्बल्स इन आदिल कलेक्शन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल कितने हैं उसके पास? 16 है। जब उसने दो डिवाइडेड किए तो क्या हुआ है दोनों में? हाउ मैनी मार्बल्स इन ईच हाफ? 1/8। ठीक है ना, 1/8 आ गया। आगे ये है कि क्रोकोडाइल हैज़ डिवाइडेड फिश कैट इन टू टू इक्वली पार्ट, 1/2 फॉर हिज फ्रेंड एंड 1/4 फॉर हिमसेल्फ। हाउ मैनी फिश इन द होल कैच? 6। ठीक है, हाउ मैनी फिश इन ईच हाफ? 1/3। 1/3 उनके पास कहीं थी। अगर ये हैं तो उन्होंने कहा ये भी उन्होंने आपने हाफ ऑफ करके करनी है। ठीक है, टोटल ये कितने थे? 10 थे। जब इनको हाफ ऑफ किया तो 1/5 और 1/5 आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं। टोटल कितने हैं? 12 हैं। जब इनको इक्वल इक्वल करना तो कितने आएंगे? 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6 और 1/6। आगे पेंसिल्स काउंट करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 है तो 1/7 और 1/7। नेक्स्ट है कटिंग इन हाफ्स। ठीक है, कट ईच शेप इन टू अ हाफ बाई ड्राइंग अ लाइन, देन कलर ईच हाफ यूजिंग अ डिफरेंट कलर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक उन्होंने कहा दिया इसको हमने दोनों साइडों से इधर देखना है कि दोनों साइडों से ये इक्वल इक्वल हो। ठीक है, तो इसको ऐसे करके करना है। ठीक है, सीधी लाइन लगानी है। ये ऐसे हमारा बना है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब ये तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट हाफ पार्ट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये कैसे ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल इक्वल पार्ट करने हैं। ये भी ऐसे दरमियान में इधर से ऐसे होगा। ठीक है, ये आपने अपने सी वर्क में लिखना है, काम बनाने हैं शेप्स। ये मैं डेली लगा रही हूँ 39 के। आगे ये ज्वाइन द डॉट्स मिसिंग हाफ, ये आपने ज्वाइन करने हैं ऐसे करके डॉट। ठीक है, ये भी अपने अपने काम करना है अपने बुक पे ऊपर ही। ठीक है, ये करना है, यहाँ तक आपका काम है इस पेज से लेके, और ये काम आपने सी वर्क में लिखना है। ठीक है।